एक ना एक दिन तो लड़ना ही है ना। एक ना एक दिन तो लड़ना ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में हम आपको विधानसभा में। अब वो निर्णय मैंने अभी तक लिया नहीं है, आगे आगे जैसी चीजें डेवलप होती हैं वो देख के मैं। तो लड़ाई करेगी अमेठी में से कुछ एक सीट हो सकती है, हम गेस कर सकते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से जवाब निकालेंगे, लेकिन इस सवाल का अभी जवाब नहीं है, बाद में देखा जाएगा। जी आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। उसके लिए है यह निर्णय। यह निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है उसने, कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। यह निर्णय उसके लिए है। यह निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर, वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा।